हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप मैरीगोल्ड प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट करें और इसके लिए कैसा सॉइल मिक्स तैयार करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कलियां आएं और आपका प्लांट बहुत हेल्दी ग्रोथ करे। तो कुछ दिनों पहले ही मैं इन प्लांट्स को लेकर आई थी, लगभग 1 वीक हो गए हैं और इस तरह से अभी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है, नई नई कलियाँ भी आ रही हैं। ये प्लांट मुझे नर्सरी में 25-25 के मिले हैं। वेरीगेटेड मैरीगोल्ड है, आप इसकी पेटल्स देख सकते हैं, हल्का सा ब्राउनिश कलर है, येलो और ब्राउनिश कलर मिक्स है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसका सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने मैरीगोल्ड प्लांट के लिए इसी तरह का सॉइल मिक्स तैयार किया था। तो कई बार हम नर्सरीज से फ्लावरिंग प्लांट लेकर आते हैं, लेकिन जब हम लेकर आते हैं उसमें कलियाँ भी होती हैं, फ्लावर भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं इसमें फ्लावरिंग भी कम हो जाती है और कलियाँ भी बनना कम हो जाती हैं। ऐसा होने का रीज़न ये भी है कि कई बार हम रिपोर्टिंग करते हैं उसका सॉइल मिक्स सही तरह से नहीं तैयार होता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हमारा प्लांट ख़राब भी हो जाता है और उसमें कलियाँ वगैरह भी बनना कम हो जाती हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है कोकोपीट और ये मैंने बनाना पील लिए हैं और काउडंग मैन्यूर है और प्लेन गार्डन सॉइल ली है और हल्दी पाउडर लिया है। आप चाहें तो हल्दी पाउडर की जगह नीम खली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नीम की पत्तियों को सुखा कर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी मात्रा में मैंने इसमें रेत भी लिया है। इस तरह से आप 60% प्लेन गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 20% आप काउडंग मैन्योर ले लें, 10% आप कोकोपीट ले लें और बाकी का जो 10% है उसमें आप बनाना पील, बोन मील भी ऐड कर सकते हैं और जो भी नीम खली वगैरह है 10% में आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह से इसकी सॉइल मिक्स तैयार की थी तो मुझे अपने प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी देखने को मिली थी और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है इस तरह से अगर आप सॉइल मिक्स तैयार करेंगे। तो अभी मेरा कोकोपीट जो है हल्का सा मॉइस्ट है क्योंकि कल रात में ही मैंने इसे सोक करा था और उसके बाद सुबह वॉश करने के बाद हल्का सा धूप में सुखाया है तब मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने प्लांटर लिए हैं, लगभग 7 इंच का ये पॉट है, लगभग 6 से 7 इंच का पॉट है, उसमें इस तरह से होल कर लिए हैं। तो 2 प्लांटर लिए हैं, दोनों प्लांट्स को मैं अलग अलग लगाऊंगी और दोनों में ही मैंने इस तरह से होल कर लिए हैं। 2 से 3 आप होल कर लेंगे तो ड्रेनेज अच्छा रहेगा और इन होल्स को मैं कवर करने के लिए ईंट के टुकड़ों का यूज़ करूंगी। इस तरह से इन्हें कवर ज़रूर कर लें ताकि आपकी जो मिट्टी है वो बाहर ना निकले। तो इसके बाद मैं ये न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ, ये न्यूज़पेपर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, पानी भी निकल जाएगा आसानी से और कुछ दिनों में ये गल भी जाते हैं न्यूज़पेपर। तो मैं जब भी इस तरह से सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ हल्दी पाउडर का यूज़ ज़रूर करती हूँ। नीम खली अगर ना हो तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ ज़रूर करें, इसमें बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे मिट्टी में होने वाले जो भी फंगस वगैरह होते हैं उसको कुछ हद तक ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो बाकी का ये जो बनाना पील है उसे मैंने सीजर की मदद से छोटा छोटा काट लिया है, हालांकि पूरी तरह से मैंने सुखाया हुआ बनाना पील यूज़ किया है इसमें। तो इस तरह से मिट्टी को तैयार करने के बाद मैं आधे प्लांटर को भर दूंगी मिट्टी से, उसके बाद जो प्लांट है मेरा उसे रखकर चेक कर लूँगी, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ ना हो और बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ना हो, बस आपको इतना ध्यान देना है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं इसमें रूट्स वगैरह ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं क्योंकि मिट्टी ऊपर से हट गई है। तो इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसमें बालू मिट्टी का यूज़ किया गया है, बहुत सॉफ्ट है, हल्का सा भी इसे अगर प्रेस करेंगे तो पूरी मिट्टी निकल जाएगी। तो मैं इसकी बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं निकाल रही हूँ और हल्की सी ही मैंने साइड से मिट्टी को निकाला है। इस तरह की अगर बालू मिट्टी में लगा हुआ प्लांट हम नर्सरी से लेकर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी मिट्टी इसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से दूसरी मिट्टी में पकड़ बना लेती हैं। और अगर क्लेई मिट्टी होती है तो उसमें हमें थोड़ी बहुत नीचे की मिट्टी को निकालना ज़रूरी होता है जिससे रूट्स को फिक्स होने में मदद मिलती है। तो इस तरह से रिपोर्ट करने के बाद 1 दिन के लिए इसे शेडी एरिया पर रखूंगी, उसके बाद ही इसे डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस कर दूंगी। जितना ही ज़्यादा इस प्लांट को सनलाइट मिलेगी उतनी ही ज़्यादा इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और किसी भी तरह का पेस्ट अटैक भी नहीं होगा
और ज़्यादातर इसमें मिली बग का अटैक देखा गया है। तो इसके लिए आप समय समय पर अगर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं या हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके उसे भी अगर स्प्रे कर देते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह का मिली बग या कोई भी फंगस वगैरह का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहें तो इसकी मिट्टी में भी 15 से 20 दिनों में हल्दी को पानी में डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं, उससे भी मिट्टी में जो फंगस वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और प्लांट भी हमारा हेल्दी बना रहेगा। तो इस तरह से मैंने दोनों ही प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है और अगले 15 दिनों बाद मैं फिर से इसमें एक बार फर्टिलाइज़र दे दूँगी, काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट वगैरह। तो इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी आसानी से ये लग जाते हैं। कोको पीट और मिट्टी के मिक्सचर में इसे आप इसकी कटिंग को अगर लगा देते हैं तो 10 से 15 दिनों बाद आप देखेंगे कि इसमें रूट्स वगैरह बनने लग जाती हैं। तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग करने के बाद इसमें पानी दे सकते हैं। तो पानी मैं बहुत ज़्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि सुबह ही मैंने इसमें पानी दिया था जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट थी। इस प्लांट को आप चाहें तो सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, इसी के फ्लावर को सुखा करके आप अगर लगा देते हैं मिट्टी में तो आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं और बहुत सारे प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने प्लांट्स नहीं तैयार किए हैं तो इसे नर्सरी से भी लाकर आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से ये प्लांट विंटर्स में बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग देते रहेंगे और जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होने लग जाएं आप इसकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा केयर करके आप इसे नेक्स्ट सीज़न के लिए भी बचा सकते हैं या फिर इसके फ्लावर को कलेक्ट करके रख लें, नेक्स्ट सीज़न में आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं मिट्टी में और इनके बहुत सारे प्लांट्स इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इन प्लांट्स को लगाने के बाद जब ये स्टेबल हो जाएं तो इन्हें फुल सन में प्लेस कर दें और सुबह के समय अच्छे से इसमें वाटरिंग कर दें, शाम के समय वाटरिंग बहुत ज़्यादा ना करें। तो इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।